संतोष, लगातार वहां पर अलग अलग टीमों का पहुंचना जांच करने के लिए लग रहा है बहुत तेजी से ये प्रक्रिया चल रही है, क्या जानकारी मिल रही है आपके पास? देखिए बिल्कुल, न्यायिक आयोग जो गठित किया गया था, मेरे पास जो जानकारी है वो पहुंच गया है और देखिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंच गई है। चूंकि न्यायिक आयोग को आज आना था और जो रिटायर्ड जस्टिस हैं एके त्रिपाठी उनके साथ कहा जाए कि देखिए ये ज्वाइंट सीपी प्रयागराज आकाश कोलहरी पहुंचे हुए हैं, पूरी पुलिस की टीमें प्रयागराज पुलिस टीम पहुंची हुई। चूंकि अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि जो न्यायिक आयोग जो बनाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, रिटायर्ड जस्टिस एके त्रिपाठी, एक्स आईपीएस सुभेश कुमार सिंह, ये तीन लोगों की सदस्य जो न्यायिक आयोग बनाया गया था, उसी न्यायिक आयोग को अभी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेगा और इसी यहीं पर वो जानकारी लेगा, क्योंकि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार कार्रवाई करेगी कि आखिर ये घटना कैसे हुई, किसकी लापरवाही से हुई। और तस्वीरों में देखिए जो प्रयागराज के ज्वाइंट सीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर आकाश कुलहरी, अपने पूरे, चूंकि आयोग को आना है उससे पहले ही यहाँ पर कार्डन ऑफ किया जा रहा है, पुलिस फोर्स को लगाया जा रहा है, आयोग आ रहा है, लिहाजा ट्रैफिक को क्लियर कराया जा रहा है। तो ये जो जगह है वही जगह है जहाँ पर मैनेजमेंट टीम्स का किया जा रहा है कि कौन सी टीम पहले जांच करेगी कौन सी बाद में, इसको लेकर ये कंफ्यूजन है। देखिए कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये न्यायिक आयोग को आना है, न्यायिक आयोग आएगा और वो यहां पर जांच करेगा। जो न्यायिक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था जिसमें एक रिटायर्ड जस्टिस है, दो रिटायर्ड जस्टिस है और इसके साथ ही एक्स आईपीएस सुभेश कुमार सिंह जो सूचना आयुक्त भी रहे, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी रैंक से रिटायर हुए सुभेश कुमार सिंह वो भी रहे हैं, तो तीन सदस्यीय ये कमीशन बनाया गया है, जो लॉ कमीशन है वो बनाया गया है और वो कमीशन आकर के यहां पर रिपोर्ट करेगा, वो अपनी अलग रिपोर्ट देगा। जिस एसआईटी के हम पहले बात कर रहे थे, जो पहले टीम आई थी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थी, वो इन्वेस्टिगेशन जो एफआईआर दर्ज हुई है अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड की, वो उस पार्ट का हिस्सा थी। लेकिन जो न्यायिक आयोग है ये इसकी जांच करेगा कि आखिर ये हत्याकांड हुआ कैसे, किसकी लापरवाही से, कहां पर क्या प्रशासनिक इंतजाम किए जाने थे, ये तमाम वजह थी जिसको जानने के लिए सरकार की तरफ से देखिए दो कमेटी बनाई गई, एक न्यायिक आयोग बनाया गया है जो लखनऊ से बनाया गया जो अभी विजिट करने जा रहा है, इसके अलावा दो एसआईटी हैं, एक प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है और दूसरी एसआईटी डीजीपी हेडक्वार्टर्स की है, जिसको कि ये देखिए शायद ये प्रयागराज पुलिस यहां पर पहुंची हुई है और तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और पूरी पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पे वज्र वाहन भी है। संभवतः आरोपियों को भी लाया गया है, संभवतः आरोपियों को भी लाया गया है, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर, क्योंकि एक वज्र वाहन अभी जो गया है अगर वो आगे से यू टर्न लेकर के आता है तो एक आशंका जरूर होगी, लेकिन अभी तक तो सिर्फ अधिकारियों का ही मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल ये तय है कि अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड में जो जांच है वो तेज हो चली है, न्यायिक आयोग एक्शन में आ गया है, जो एसआईटी है वो एक्शन में आ गई है, एसआईटी की चाहे वो फॉरेंसिक की टीम हो पांच सदस्यीय, उसने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर कहा जाए कि यहाँ पर मौका मुआयना किया था, वो अपने साथ तमाम दस्तावेज लेकर के आए थे। अरविंद, आपके पास कोई जानकारी है, आरोपियों को भी लाया जा रहा है क्राइम सीन पर, क्योंकि संतोष जानकारी दे रहे हैं वहां पर एक वज्र वाहन पहुंचा है, यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के क्या हो रहा है, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, ये तमाम चीजें हैं यहाँ पर और अब से कुछ देर में यहाँ पर आपको स्पॉट का जो क्राइम सीन। अरविंद आप मुझे सुन पा रहे हैं? भाई साहब हम आगे नहीं आ रहे, हमारा काम आप खराब मत करिए। ठीक है, अरविंद का रुख करेंगे, संतोष हमारे साथ लगातार बने हुए। संतोष क्या हलचल है, आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो एक बार दिखाइए, जिस सड़क से अब ये न्यायिक आयोग की जांच टीम पहुंची है वहां पर, उनकी क्या कार्रवाई चल रही है, कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी? के करीब ये न्यायिक आयोग लखनऊ से निकला था और अब यहां पर पहुंचने वाला है। जी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये मौकाए वारदात वाली जगह है जहां पर उस रात जो कुछ हुआ था उसे एक बार फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, इसके लिए न्यायिक आयोग की टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन अभी तक दरअसल सुरक्षा को लेकर और तमाम अन्य चीजों के मद्देनजर
अभी ये जांच शुरू नहीं हुई है, ना वो रिक्रिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। इस बीच हमारे संवाददाता वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ये वही मेडिकल सेंटर है जिसके ठीक बाहर अतीक और अशरफ दोनों को गोलियों से भून दिया गया था। तीन आरोपी जिनसे अब एसआईटी की टीम अलग अलग पूछताछ भी कर रही है और जल्द उनका नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है।